नागमणि का लालच। बंगाराम नाम के घने जंगल में एक सांप और एक मुंगूस रहते थे। उन दोनों में हमेशा दुश्मनी की वजह से झगड़े होते रहते। एक दिन ऐसे ही सांप और मुंगूस का झगड़ा होता है। वो झगड़ा दोनों के इतने परे चले जाता है कि एक आदमी उनके पास आता है और सांप को मुंगूस से बचा लेता है। सांप कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। दरअसल हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसे झगड़े में क्यों वक्त बिताना। सही कहा, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए होगी तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अवश्य ही मदद करूंगा। ऐसा बोलकर वो आदमी उस सांप को उसके बिल के पास छोड़ देता है। सांप बिल में चला जाता है और आदमी भी अपने घर निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, आदमी का खेती में बहुत नुकसान होता है, जिस वजह से वो भारी संकट में आता है। उसकी समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। इस सोच में वो डूबा रहता है कि तभी उसे एक सांप दिखता है। उसे देखकर आदमी को मदद किए हुए सांप की बात याद आती है और वो उस सांप के पास जाता है। सांप भाई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम जरा ऊपर आओगे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे तुम, कहो क्या हुआ भाई, बहुत परेशान दिख रहे हो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरा खेती में बहुत नुकसान हुआ है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों को ढंग से खाना तक नहीं खिला सकता। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम जरा रुको, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर सांप अपने बिल में चला जाता है। वो अपने बिल में उसका नागमणि छुपा कर रखता है। वो उसे निकालता है और ऊपर लेकर आता है। ये लो भाई, ये एक नागमणि है, इसे तुम हमेशा अपने घर में रखना, इससे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो आदमी घर चला जाता है और उस नागमणि को अपने घर में एक बक्से में रख देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस किसान के दिन बदल जाते हैं। उसे खेती में बहुत फायदा होता है और उसके घर में हर वो चीज होती है जो किसी आम आदमी को चाहिए। लेकिन किसान पर किसी की नजर रहती है, उसकी इस तरक्की को एक दूसरा आदमी देखता रहता है। वो आदमी उसकी तरक्की का राज जानने के लिए जंगल जाता है। तभी उसे वो मुंगूस मिलता है। वो कहता है, सुनो भाई, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे कुछ दिन पहले यहाँ से एक आदमी ने किसी सांप को बचाया था और उसका शुक्रिया मानकर उस सांप ने उस आदमी को अपना नागमणि दिया था। मैं उस सांप को ही ढूंढ रहा हूँ। तुम तो बहुत सही जगह पर आए हो, मुझे पता है कि वो सांप कहाँ रहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ उस सांप के बदले। तो तुम उस सांप से नागमणि लेते ही उसे मार डालो, मुझे बस यही चाहिए। बस इतनी सी बात, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। सांप को मारने का विश्वास मुंगूस को दिलाकर वो आदमी उस सांप के बिल के पास जाता है और सांप को आवाज देता है। लेकिन बहुत देर तक आवाज देने के बाद भी वो सांप ऊपर नहीं आता, जिस वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप के घर को तोड़ने लगता है। ये देखकर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो ऊपर आकर उस आदमी को ही डस लेता है। वो आदमी वही तड़प तड़प के मर जाता है। बंदर और जाल। एक दिन एक बंदर नदी किनारे एक पेड़ की शाखाओं पर बैठा था। जब उसने देखा कि दो आदमी उनके बीच में एक भारी भारी जाल ले जा रहे थे, बंदर सोच ही रहा था, ये लोग क्या करने जा रहे हैं? आखिर इनका क्या इरादा है? बंदर बहुत आश्चर्यचकित था, बहुत हैरान था और वो उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि वो दोनों नदी किनारे पहुंचे और बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद एक आदमी ने अपनी पतलून उतारी और फिर जाल का हिस्सा उठाकर नदी में फेंक दिया। उसने धीरे धीरे नदी के मध्यम में अपना रास्ता बनाया और फिर वापस नदी के किनारे की ओर आ गया और नीचे की ओर अभी भी जाल पड़े हुए नेट पर बैठ गया। उसका दोस्त दूसरे छोर पर बैठा रहा। बंदर उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था, आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? तभी अचानक बंदर ने देखा कि नदी में जोरों की हलचल हुई और एक बड़ी मछली उनके जाल में आ गई। मछुआरे ने नदी से जाल खींचने के लिए संघर्ष किया क्योंकि वो बहुत बड़ी मछली थी।
कुछ देर बाद नदी किनारे अपना जाल वहीं छोड़कर वो मछली लेकर घर आ गए। जैसे ही वो आदमी घर में मछली को लेकर घुसा, बंदर पेड़ से नीचे उतर गया और ध्यान से नदी के किनारे मछली पकड़ने के जाल को देखने लगा। बंदर सोच रहा था, अगर मैं इस जाल को नदी में फेंक दूं, तो मैं भी एक मछली को पकड़ पाऊंगा। फिर वो जाल को खींचने लगा। बंदर ने जाल को खींचने और उसे सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उल्टा मछली पकड़ने की बजाय अब बंदर ही उस जाल में फंस चुका था। अरे ये क्या हो गया, अब मैं इस मनहूस जाल से कैसे निकलूं? इसने तो मुझे सब तरह से पकड़ लिया है, उफ। जैसे जैसे वो जाल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता गया, वो नदी के पास और निकट होता गया। जैसे ही वो ट्राई करता गया, वो नदी के और पास जाता गया और अचानक नदी में से एक आवाज आई, अरे बंदर भैया संभाल के। और तभी बंदर नदी में गिर गया। ये आवाज कछुए की थी। बंदर को नदी में गिरता देख अचानक कछुआ भी वहां से भाग निकला। अब बंदर मदद के लिए चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा, अरे कोई मुझे इस जाल से निकालो, बचाओ। बंदर की किस्मत अच्छी थी कि उस तरफ से एक आदमी गुजर रहा था। बंदर को जाल में फंसा देखकर वो हैरान रह गया। एक दयालु दिल का आदमी होने के कारण आदमी ने जाल खींच लिया और बंदर को वहां से बचा लिया। जैसे ही बंदर जाल से निकला, वो तुरंत भागकर पेड़ पर चढ़ गया। आदमी ने बंदर से पूछा, अरे बंदर भैया अब ठीक हो? दोबारा इस जाल से खेलने की गलती मत करना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि आज मैं यहाँ से गुजर रहा था, वरना तो तुम्हारा काम तमाम हो जाता। आदमी की बात सुनकर बंदर ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आज वाकई अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। आज के बाद मैं कभी ऐसी चीजों से खिलवाड़ नहीं करूँगा जिसकी मुझे कोई समझ नहीं। बस ये सोचकर बंदर अपने घर की ओर बढ़ गया और रास्ते भर भगवान को धन्यवाद बोलता रहा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? जिन चीजों का हमें ज्ञान ना हो, उनसे हमें अक्सर दूर ही रहना चाहिए। ऐसे और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मूर्ख बंदर। एक घना जंगल था। जंगल में एक बंदर था। बंदर बहुत ही आलसी था। वो कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाता था। एक दिन हाथी केला खा रहा था, तो बंदर हाथी के पास जाता है और उससे केला छीन कर खा लेता है, जिस पर गुस्सा होकर हाथी बंदर से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा भोजन छीन के खाने के लिए एक तो भोजन नहीं ढूंढते हो, ऊपर से मेरा भोजन छीनते हो। ये कहकर हाथी बंदर पर गुस्सा होता है, जिस पर बंदर जवाब देता है, अरे दोस्त क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, आगे से तुम्हारा भोजन मैं नहीं छीनूंगा। ये कहकर बंदर वहां से चला जाता है। बंदर को रास्ते में एक खरगोश मिलता है। खरगोश गाजर खा रहा था। बंदर गाजर को देखता है और खरगोश से वो छीन लेता है। तुम इतने बेशरम जानवर हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैं कितनी मुश्किल से एक ये गाजर लेकर आया था और तुमने इसे छीन लिया। खुद तो अपना खाना लाते नहीं हो और दूसरों का खाना छीनते रहते हो। ये बात बंदर सुनकर वहां से चला गया। अगले दिन शेर कुछ फल छुपा कर रख रहा था। बंदर ये देख लेता है और वहां जाकर शेर के फल चुरा लेता है। ये बात जानकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे फल छुपाए, मेरा भोजन खा लिया। तुम इस जंगल के जानवर हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार इस तरफ दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। शेर की ये बात सुनकर बंदर उदास हो गया और वो वहां से निकल जाता है। रास्ते में बंदर को एक आम का पेड़ दिखता है। आम के पेड़ को देखकर बंदर मन ही मन सोचता है, अरे वाह कितना बड़ा आम का पेड़, अगर मैं इन आमों को तोड़ लूं तो बहुत दिनों तक मुझे भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसकी वजह से मैं किसी का भोजन नहीं चुराऊंगा और मुझे किसी की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। ये सोचकर बंदर कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और एक डाली पर बैठकर जिस डाली पर वो बैठा था उसी डाली को काटने लगता है। इतने में उधर से एक खरगोश आता है। वो बंदर को देखकर उससे कहता है,
अरे दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस डाली पर बैठे हो उसे ही काट रहे हो। बंदर खरगोश की बात नहीं सुनता और उससे कहता है, तुम इतने जरा से हो और मुझे समझा रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। तभी वहाँ हाथी आता है। अरे दोस्त, तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? ऐसे तो तुम गिर जाओगे। मेरा भोजन है, खुद ढूंढ रहा हूँ, इससे तुम लोगों को क्या मतलब? मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। थोड़ी देर में शेर भी वहां आता है। बंदर को समझाने की शेर भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक डाली कट चुकी होती है और बंदर धड़ाम से नीचे गिरता है। तभी शेर बंदर को देख के कहता है, देखा बेवकूफ, हम तुम्हें समझा रहे थे लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए तुम गिर पड़े। भोजन मेहनत से मिलता है, बेवकूफ हरकतों से नहीं। उस दिन से बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने भोजन के लिए खुद मेहनत करना शुरू किया। साथ ही इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी बेवकूफ को समझाने का मतलब दीवार पर सर मारना होता है। मुर्गी की सूझबूझ। एक मुर्गा और एक कुत्ता एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन वे दोनों किसी जंगल से होकर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते अंधेरा छाने लगा। एक बड़ा सा पेड़ देखकर दोनों मित्रों ने आराम से रात काटने की सोची। मुर्गे ने कहा, भाई कुत्ते, अब मुनासिब सी जगह देखकर आराम करें। ऐसा करते हैं, मैं इस पेड़ पर चढ़कर किसी डाल पर जम जाता हूँ, तुम आसपास से कहीं मुनासिब जगह देखकर आराम करो। ठीक है भाई, तुम पहुँचो अपने ठिकाने पर, मैं तो यहीं कहीं डेरा जमा लेता हूँ। मुर्गे ने अपने पंख फड़फड़ाए और पेड़ की एक डाली पर चढ़ बैठा और कुत्ता पेड़ के नीचे आराम करने लगा। दोनों मित्र रात भर खराटे मारकर सोते रहे। जब सुबह हो गई तो मुर्गे ने उठकर बांग दी। एक भेड़िया वहीं आसपास कहीं रहती थी। मुर्गे की बांग की आवाज सुनकर उसकी नींद भी खुल गई। कुछ ही देर बाद भेड़िया उस ओर चली आई। उसने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा, तभी उसे पेड़ पर बैठा मुर्गा दिखाई दिया। मुर्गे को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। मुर्गा उसकी पहुंच से बाहर था, इसलिए वह बहुत होशियार से पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगी। वह सोच रही थी कि अपने शिकार को पाने के लिए वह कौन सा उपाय करे। उसने मुर्गे से कहा, मित्र, मैंने सुबह सुबह तुम्हारी मीठी बाग सुनी। मैं तुम्हारी मधुर वाणी से इतनी प्रभावित हूँ कि मेरा जी चाहता है कि तुम्हारी पीठ ठोकूं। क्यों नहीं, मुर्गे ने चलाकी से काम लेते हुए कहा। नीचे जो चौकीदार सो रहा है उसे जगाकर कहो सीढ़ी लगाए ताकि मैं नीचे आ सकूं। भेड़िया ने मुर्गे को खाने की जल्दी में पेड़ के नीचे लेटे हुए कुत्ते को जगा दिया। जब कुत्ते ने उसके सामने एक भेड़िया देखा तो वह पीछा करने लगा और उस पर झपटा, और सौभाग्य से भेड़िया कुत्ते से बच गई। सीख।